हेलो बच्चों, आज फिर नए क्लास के साथ आपका नया क्लास, जिसमें आज का टॉपिक हमारा होगा सदिश की संख्या। पिछले वीडियो में हमने बताया कि सदिश क्या होते हैं, बेसिक जानकारी, और दूसरा हमने बताया कि सदिश कैसे बनाते हैं, सदिश का घटक रूप क्या होता है, उससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, जैसे इकाई सदिश ज्ञात करना है, या उससे संबंधित कोई सदिश दिया हो तो उसका मापांक ज्ञात करना, इत्यादि होता है। ठीक है, कई चीज़ें बताई गई हैं वीडियो को, जिसको आप देखिए। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सदिश की संख्या। तो देखिए, सदिश की संख्या, संख्या का मतलब होता है नियम, कि सदिश के बीच में कौन कौन से नियम लगते हैं। जो नियम लगते हैं सदिश के बीच में, उसे हम संख्या कहते हैं। ये संख्या है, इसका मतलब हुआ नियम। ठीक है, अब आपको इसी नियम के बारे में पढ़ना है, इसी नियम के बारे में जानना है। तो देखिए, सदिश में तीन नियम है। पहला, सदिश का योग। दूसरा, सदिश का अंतर। और तीसरा, सदिश का गुण। ये तीन नियम, योग, अंतर और गुण। तो इन्हीं तीनों के बारे में, तो गुणन में प्रभाव बढ़ जाएगा। दो गुणन दो प्रकार के जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आगे। पहला क्या होता है, योग, कि सदिश का योग क्या होता है। ठीक है, तो सदिश के योग के लिए हमारे पास दो नियम होंगे, एक आलेख के द्वारा और दूसरा घटक के। तो पहले हम आते हैं सदिश के नियम में। पहला, योग का नियम। ठीक है, योग, सदिश के योग का नियम। तो देखो, ये जो योग का नियम है सदिश में, ठीक है, इसमें पहला होगा हमारा आलेख द्वारा। आलेख, आलेख द्वारा मतलब कि अगर सदिश दिए हुए चित्र के रूप में, रेखा के रूप में, रेखा दृष्ट रेखा खंड के रूप में, तो उसको कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे ऐड करते हैं। बहुत सरल है, एक सदिश ये दिया हुआ है ए बी, ये सदिश कौन सा है, और दूसरा सदिश दिया हुआ है, किसी भी दिशा में दिया होगा, ऐसे दिया हुआ है, दो अलग अलग सदिश यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐसे दिया हुआ है। कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो बहुत सरल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, कि ए बी प्लस सी डी करना है, अर्थात ए बी प्लस सी डी, यहाँ ए बी और सी डी, इनको जोड़ना है, ए बी प्लस सी डी करना है। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, पहले तो आप ए बी लिखेंगे, यहाँ से ए बी ऐसे ए बी लिखे, यहाँ से ए बी। अब जो दूसरा सदिश में जोड़ेंगे, उसमें ध्यान रखेंगे कि दूसरे सदिश की प्रारंभिक बिंदु, देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, जहाँ तीर लगा होता है उसको अंतिम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अंतिम, जो तीर लगा हुआ है उसको अंतिम बिंदु कहते हैं। जो अंतिम बिंदु है, उस अंतिम बिंदु पे प्रारंभिक बिंदु को संपाती कर देंगे, मतलब इस बिंदु को यहाँ पे ले आएंगे, ऐसे ले आए, और इसकी दिशा न बदलने पाए, ठीक इसी दिशा में एक सदिश हम खींचेंगे, जो क्या होगा, यहाँ बी और सी ये दोनों कैसे हो गए, संपाती, कैसे हो गए, और यहाँ आ गया डी। तो हमने देखा कि इन दोनों की दिशा बदले, बिना दिशा बदले हमने इन दोनों को इस प्रकार किया कि पहले का अंतिम बिंदु, दूसरे का प्रारंभिक बिंदु संपाती हो गया, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। इस प्रकार पहले का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे का अंतिम बिंदु, इनको हमने मिलाया। तो जैसे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस सी डी, और ये क्या बन जाएगा मिलकर के, ए से कहां जा रहा है, बी बराबर, ये हो गया आलेख द्वारा। करना क्या है कि अगर दो से अधिक है, पहले आप दो को देख लीजिए, एक सदिश दूसरा सदिश बिना दिशा बदले जिस दिशा में है उसी दिशा में, पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर,
दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु को संपाती करेंगे और फिर पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी वो इन दोनों को जोड़े और उसे सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे तो दोनों सदिशों का योग और उसकी दिशा पहले के प्रारंभिक से दूसरे के अंतिम बिंदु की तरफ। अब दिमाग में आएगा सर दो से अधिक सदिश हो तो क्या करेंगे, एकदम सरल है। अगर दो से अधिक सदिश है तो ठीक यही प्रक्रिया करेंगे कि एक का अंतिम बिंदु दूसरे का प्रारंभिक बिंदु फिर दूसरे का अंतिम बिंदु तीसरे का प्रारंभिक बिंदु इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। जब सभी जुड़ जाएंगे तो पहले के जो पहला है उसका प्रारंभिक बिंदु और जो सबसे अंतिम है उसका अंतिम बिंदु दोनों को मिलाएंगे और बड़े आसानी से सदिश को हम जोड़ देंगे। जैसे हमने देखा ए बी यहाँ ए हो गया, इसमें हमने जोड़ दिया बी, इसमें हमने फिर जोड़ दिया सी। अब देखिए अब यहां से अगर हम इसको जोड़े यहाँ ऐसे ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ये बन जाएगा तीनों का योग ए प्लस बी प्लस। लेकिन अगर इसकी दिशा इधर में करके हम इसकी दिशा किधर करते हैं इधर, तो देखो यहां से यहां गए ए प्लस बी प्लस सी और फिर यहाँ आ गए ये क्या हो जाएगा, अर्थात अगर जिस बिंदु से हमने प्रारंभ किया और जोड़ते हुए उसी दिशा में यहाँ पे आ गए यहाँ से यहाँ आ गए तीनों का योग क्या हो जाएगा शून्य। मतलब ध्यान रखना है योग तभी प्राप्त होगा जब पहला का प्रारंभिक और दूसरे का अंतिम बिंदु जोड़ेंगे और दिशा भी वही। अगर उसी प्रारंभिक बिंदु पे दिशा आ गई तो उसका योग शून्य। ये रहा आदेश के द्वारा सदिश का मान ज्ञात करना, सदिश का योग ज्ञात करना। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि सदिश का घटक रूप कैसे योग करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, सदिश के घटक रूप से पहले हम आपको इसी में अंतर नहीं बता देते हैं कि अगर आलेख से सदिश का जो योग है इसी योग में हम क्या करते हैं अंतर भी जोड़ लेते हैं तो आसान होगा आपके लिए। जो योग है अब इसके स्थान क्या करते हैं अंतर, फिर हम आएंगे घटक रूप में अंतर। सरल है सेम उसी प्रकार से जैसे हम जोड़ते हैं लेकिन यहां पर क्या करना है केवल दिशा बदल देंगे। जैसे एक सदिश दिया हुआ है और दूसरा सदिश दिया हुआ है, हमें क्या करना है ये सदिश तो ऐसे रहना है ये पहला सदिश लेकिन इसकी दिशा को बदलेंगे। देखो इसकी दिशा इधर है ठीक इधर ये ऊपर की तरफ था हमने क्या किया नीचे की तरफ कर दिया और यहां क्या किया इसी दिशा बदल जाएंगे यहां से और फिर लास्ट में यहां से यहां तक मिला दिया और जैसे ही मिलाया हमने तो क्या बन गया फिर से आप ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। फिर से देखिए ये सदिश दिया हुआ था ये सदिश दिया हुआ था अगर हम इसको जोड़ते तो इसको क्या करते इसे संपादित करते इधर एक रेखा खींचते लेकिन हम क्या करना है इसको क्या करना है घटाना है अंतर करना है तो यहां से नीचे आ जाएगा। देखिए अगर इसको हम देखें तो इधर जाएगा लेकिन इधर नहीं दिशा बदल दिया हमने बदल दिया क्या हो गया माइनस और फिर यहां से इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा वेक्टर ए माइनस क्या बन जाएगा ए माइनस जो योग था वही अंतर हो गया। अंतर में क्या करना है योग की तरह ही करना है लेकिन दूसरे सदिश को पहले सदिश में इस प्रकार से योग करेंगे लेकिन कि उसकी दिशा बदल जाए अर्थात दूसरे वाले की ठीक 180 डिग्री पर विपरीत दिशा में अगर उसको हम जोड़ते हैं तो अंतर बन जाता है। क्यों जाता है तो आपने देखा कि योग और अंतर में थोड़ा सा अंतर है क्या कि योग में उसी दिशा में जोड़ते हैं संपाती करते हैं और अंतर में उसके विपरीत दिशा में जोड़ते हैं तो वो अंतर बन जाता है। लेकिन ये थोड़ा आलेख का बताना इसलिए जरूरी था कभी कभी कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं आलेख के द्वारा हम प्राप्त करते हैं योग प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं घटक रूप कि घटक रूप में योग और अंतर कैसे होता है जो कि बेसिक क्वेश्चन घटक रूप में ही आते हैं तो बहुत ही सरल है। घटक रूप क्या होता है कल के वीडियो में बताया था आपको, आज सदिश लेते हैं उसके घटक रूप लेते हैं और बड़े आसानी से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो घटक रूप बहुत ही सरल है कि यदि कोई दो सदिश दिए हुए यहां पर लिखते हैं x1 i
F20, F3, और यहाँ पे B हमने लिख दिया, इसको लिख दिया हमने Y1, Y2, Y3, कुछ भी दिया होगा, ये हमने X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 को माना है, इसके स्थान पे कुछ भी दिया होगा, वो तो संख्या दी होगी, इसको हम गुणांक बोलते हैं, अदिश घटक भी बोलते हैं, ठीक है। आईएपी का गुणांक या अधिक घटक या अधिक अनुपात बोल देते हैं या अधिक को साइन कंडीशन के आधार पर। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या कहेगा, ए प्लस बी ज्ञात है, ए प्लस, तब वो करना क्या है, एक्स और वाई जोड़ देंगे यहाँ पे, X1 प्लस Y1, ये यहाँ आई कॉमन, मतलब आई के अधिश घटक को जोड़ना है आपस में, फिर बाहर प्लस H2 प्लस Y2 और प्लस F3 प्लस, और बड़े आसानी से देखा कि आई के घटक को जोड़ दो, जे के घटक को जोड़ दो, के घटक को जोड़ दो, और उससे जो प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, दो सदिशों का योग। कितना सरल है, आई के गुणांक को आई के गुणांक में जोड़ना है, जे के गुणांक को जे के गुणांक में, और के गुणांक को के गुणांक में, समझ आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ योग नहीं अंतर करें, क्या करें, अंतर, ए माइनस बी, अगर हम यहाँ पे अंतर करें तो क्या करना है आपको, जो यहाँ हमने जोड़ा था वो घटा देंगे, और बाहर तो प्लस ही रखेंगे, वो प्लस माइनस सॉल्व होकर क्या होगा बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ सकते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या, X1 माइनस Y1 है, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे अधिक घटक को, H2 माइनस Y2, ये देखिए बाहर ने प्लस किया है, ये प्लस इसलिए कि जब हम घटक रूप लिखते हैं तो प्लस के रूप में लिखते हैं ना, लेकिन वो हल करेंगे अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, लेकिन घटा रहे हैं, जो घटाने वाला घाट है वो कौन सा है, अधिश घटक का घटाना, अधिश घटक है ना, जो घटाना, और लास्ट में देखिए आप F3 माइनस, आपने क्या देखा है, कितना सरल है, घटक का योग और अंतर, कि दो सदिश का योग करते हैं तो घटक को जोड़ देते हैं, अधिश घटक को आई जे के साथ उसके संगत मानों में, और घटाने पर घटा देते हैं, ये रहा सदिश का योग और अंतर। इस पे एक एग्जांपल देते हैं और बताते हैं कि कितना सरल क्वेश्चन होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के क्राइटेरिया भी पूछ सकते हैं, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें केवल अपने बेसिक कंसेप्ट का यूज करना है, अब बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, जैसे क्वेश्चन के अनंत क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको अपने कंसेप्ट पे ही चलना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए आपके पास दो सदिश दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर दो सदिश मान लो a बराबर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4, और b बराबर दिया हुआ है 4i प्लस j माइनस 3, और आपसे कहा गया कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए, अर्थात ए और बी को जोड़िए, ए और बी का योग ज्ञात कीजिए, क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, इन दोनों का मान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस 4, और यहाँ प्लस, फिर दूसरा मान लिखेंगे 4i प्लस j माइनस 3, अब हमें क्या करना है, i वैल्यू को i में जोड़ना है घटक को, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 4, और यहाँ आगे हम प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट अगर ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, फिर यहाँ माइनस 3 है तो माइनस 3 को जोड़ेंगे, यहाँ ये नहीं कि हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे, क्यों, इससे क्वेश्चन की गलती होने के चांस कम होते हैं, तो माइनस 3, और यहाँ कितना है प्लस 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ का गुणांक 1 होता है प्लस, और यहाँ पर ये कॉमन एरिया में, और यहाँ देखिए फिर ब्रैकेट 4 प्लस, यहाँ क्या है माइनस, जैसे आप सॉल्व, आपको ऐड आता है बहुत सिंपल तरीके से, आप सॉल्व करोगे 6i यहाँ पर माइनस 2j, क्योंकि माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस बाहर आने माइनस हो जाएगा, और लास्ट में 4 माइनस 3, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो जब 1 बचता है तो वहाँ 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट हम k लिखते हैं, क्योंकि उसका गुणांक 1, तो बड़े आसानी से हमने a प्लस b किया। ठीक इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि नहीं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए माइनस, क्या ज्ञात करना है, ए प्लस, तब समझ में आ गया, लेकिन अगर यहाँ कह दिया जाए नहीं हमें तो माइनस ज्ञात करना है, तो सिंपल जैसा प्लस वैसा ही माइनस, क्या करेंगे हम यहाँ पर,
माइनस कर देंगे, सेम कंडीशन है, देखिए कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आई वाले में से आई को माइनस करेंगे, टू माइनस फोर बाहर पास ही रखेंगे, फिर यहाँ माइनस थ्री और यहाँ चल जाएगा माइनस वन ये, और फिर बाहर प्लस रखेंगे और यहाँ फोर और यहाँ माइनस, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें ब्रैकेट के अंदर हो रही। तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम तो रिजल्ट बदल जाएगा, तो जैसे हम इसको हल करेंगे दिया जाएगा टू माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, ये दोनों जुड़ेंगे माइनस क्या माइनस और माइनस को जब हम घटाते हैं तो जुड़ जाता है माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे आपको पता है माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, बाहर प्लस है तो माइनस फोर हो जाएगा यहाँ पर, अब फोर माइनस करेंगे माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया, तो फोर और थ्री घटेगा नहीं बल्कि ये जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेवन। इस प्रकार से आपने देखा कि दो सदिशों का अगर दिया हो तो जोड़ते कैसे हैं और घटाते हैं, बड़े आसान तरीके से उसको जोड़ो घटा घटक के रूप। अब क्वेश्चन की क्राइटेरिया बहुत होंगे, क्वेश्चन तो कई प्रकार से पूछ सकते हैं, कोई पता नहीं होता किस प्रकार से पूछेंगे, क्या देगा ए और बी सदिश दिया है, इस सदिश के अंदिश मात्रक, इनके योग के अंदिश मात्र सदिश क्या करो, तो क्या करना है आपको दोनों को जोड़ना है और फिर जो आंसर आएगा उसका मात्रक निकालना है, मात्रक कैसे निकालते हैं वो पिछले वीडियो हमने बताया था, क्या देगा एक सदिश दिया हुआ है दूसरे सदिश में घटाइए, या a माइनस बी के अंदिश एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप सात हो, तो पहले माइनस करना है एक आंसर आ जाएगा, अब भी उसका मापा उसका इकाई निकालना है और उसके बाद में दिए गए परिणाम से फाइव से या एट से जो भी दिया होगा उससे गुणा करना है, जैसा कि पिछले वीडियो हमने बताया। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से हो सकता है लेकिन उसमें योग का तरीका या अंतर का तरीका यही है। अब योग जैसे हमने ऐड किया तो इसके कई पॉइंट्स, कुछ विशेष पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ विशेष गुणधर्म है, तो वो गुणधर्म क्या है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि योग के गुणधर्म, हालांकि अंतर के तो कोई गुणधर्म नहीं होते, योग का गुणधर्म होता है, योग का गुणधर्म ये होता है किसके योग के, बहुत ही सरल है, ये बेसिक चीजें हैं जो आप जानते हो, पहला ए प्लस बी, चाहे ए और बी को जोड़ो या बी और ए बी जोड़ो, दोनों के मान कोई अंतर नहीं होता, जैसे दो प्लस तीन, तीन प्लस दो, बात तो बराबर है, तो सदिश में भी दो सदिशों का योग किसी भी क्रम में समान होते, इसे कहते हैं यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसे कहते हैं क्रम विनिमय, क्या बोलते हैं इसको क्रम विनिमय। दूसरा हमारा क्या है ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीन सदिश हैं उनको भी इस क्रम में किसी भी क्रम में हम व्यवस्थित करें ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों के बाद क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक, इसे कहते हैं साहचर्य, क्या बोलते हैं साहचर्य, क्या बोलते हैं साहचर्य, बहुत ही सरल। तीसरा हमारा होता है कि सदिश जो मान दिया हो, सदिश का योग, सदिश का ये मान दिया हुआ, किसी भी सदिश में अगर हम शून्य सदिश, शून्य सदिश का हमने बताया है शून्य सदिश क्या होते हैं जिसका परिमाप जीरो होता है उसे हम शून्य सदिश कहते हैं, तो ए प्लस जीरो ये शून्य सदिश है, ठीक है, तो इसमें सारे मान जीरो होंगे तो वैल्यू क्या होगा ए, क्योंकि जीरो किसी में जोड़ोगे तो पूरी वैल्यू यही रहेगी, जीरो तो कोई मान होता नहीं है, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो जो है ये इसके लिए क्या जो मान दिया ए के जोड़ने को कोई मान में अंतर नहीं। और चौथा हमारा होता है चौथा, अच्छा हाँ यहाँ पे शून्य सदिश है, इस शून्य सदिश को बोलेंगे योग का, योग का तत्समक, क्या कहेंगे योग का तत्समक, योग का। और दूसरा कह रहा है कि यदि दो सदिश इस प्रकार हैं कि दोनों को जोड़ने पे जीरो हो जाए, क्या हो जाए ए और बी जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन में ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी,
अब आपने पढ़ा है कि दो सदिश इस प्रकार हो कि एक सदिश का मान दूसरे सदिश के ऋण रूप में प्राप्त हो, मानस में प्राप्त हो, तो इसे क्या कहते हैं? ऋण सदिश। ठीक है, और यहाँ पे इसे हम इस सदिश को क्या कहते हैं? योज्य प्रत्यय। इसका दूसरा नाम क्या होता है? योज्य या योग का प्रत्यय, या योग का, क्या बोलते हैं इसको? योग का, क्या योज्य प्रत्यय को और क्या है योग का प्रत्यय। अर्थात कोई सदिश दिया हुआ है, अगर सदिश दिया हुआ है तो निश्चित तौर पर कभी कभी पूछ लेता है कि दिए गए सदिश का योग प्रतिलोम क्या होगा, योज प्रतिलोम क्या होगा, क्या करना है आपको? माइनस से गुणा कर देना। जैसे कह दिया कि a का मान दिया हुआ है 2i माइनस 3j, तो इसका योज प्रतिलोम, योज या योग का प्रतिलोम क्या, योज प्रतिलोम या योग का, तो बहुत सरल है। इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस, अर्थात माइनस 2i प्लस 3j माइनस, कितना सरल है, बड़े आसानी से वैल्यू को। ये रहा आपका दो सदिशों का योग और अंतर के रूप में संख्या। अब तीसरा आते हैं दो सदिशों का गुणन संख्या, दो सदिशों का गुणन। तो गुणन संख्या बताने के पहले हम आते हैं कि जो योग संख्या है, योग, इस योग संख्या में दो विशेष नियम आते हैं। एक आता है योग का त्रिभुज नियम, एक आता है योग का चतुर्भुज नियम, या योग के समांतर चतुर्भुज। तो सिंपल जो ग्राफ के आधार पर हमने बताया था योग का त्रिभुज नियम, तो क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम आएंगे गुणन संख्या। आते हैं योग का त्रिभुज, ये आदेश ही है, अलग नहीं। क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज है ए बी, सरल है, एक बार पढ़ेंगे आसानी से आ जाएगा, या हम सदिश ए होगा या हम क्या होगा ए, क्या जाएगा ए प्लस बी। तो क्या कह रहा है कि ध्यान से, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी, ये दो संलग्न भुजाएं, संलग्न एक दूसरे के साथ लगी हुई, दो संलग्न भुजाएं दो सदिशों से निरूपित हो, इन दोनों सदिशों से निरूपित हो, सदिश त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों से निरूपित हो, तो सदिश की तीसरी भुजा, सदिश की तीसरी भुजा उन दोनों के योग के रूप में व्यक्त की जाती है, जिसकी दिशा पहले सदिश की ओर से, पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु की तरफ, इसे कहते हैं योग का त्रिभुज। कितना समझे, दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित हो, तो उस सदिश की तीसरी भुजा उन दोनों का योग। इसी क्रम में हम आते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, योग का त्रिभुज के स्थान पर समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज, ये भी सरल है। कह रहा है अगर कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और इसकी दो भुजाएं, एक भुजा को हमने ए मान लिया, एक भुजा को, हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो सिंपल तौर पर आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, तो जो दिशा इसकी होगी वही दिशा इसकी होगी, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे डी सी हो जाएगी, अगर यहाँ पे ए डी है तो यहाँ क्या जाएगा बी, अगर ये ए है ये बी है तो ये ए है इसके ठीक ऊपर ये बन जाएगा ए, और ये बी है इसके ठीक साथ बन जाएगा। तो कह रहे हैं यदि हम यहाँ से इसको मिला दें ये विकर्ण हो गया, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस, क्या बन जाएगा, ठीक इसी प्रकार से अगर इसको मिला दें तो क्या बन जाएगा बी प्लस, तो वो तो कंडीशन हो जाता है। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, दो संलग्न या आसन्न भुजाएं कह सकते हो, संलग्न से आसन्न भुजाएं, दो आसन्न एक ही स्थान से निकली हुई दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों से ए और बी से निरूपित हो, तो उस समांतर चतुर्भुज की विकर्ण
उन दोनों का योग होता है जिसकी दिशा उस समांतर चतुर्भुज की दोनों सदिशों के प्रारंभिक बिंदु, दोनों सदिशों के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ, दोनों सदिशों जो दिया है सदिश दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु की तरफ। ठीक है, क्या काम है कि दो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न आसन भुजाएं, चाहे इनकोण भुज चाहे इनकोण भुज, संलग्न को या आसन को भुजाएं, दो सदिशों से निरूपित है तो उनके प्रारंभिक बिंदु से, उनके प्रारंभिक बिंदु से जाने वाली विपरीत दिशा में जो विकर्ण होगा वो उन दोनों का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा सदिश की योग संक्रिया और सदिश की अंतर संक्रिया। तो अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे सदिश की गुणन संक्रिया। बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटा वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको रिपीट करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो छोटे छोटे भागों को, छोटी छोटी संख्याओं को आप तक पहुँचाने का माध्यम है हमारा आप तक, इससे कि आप बड़े आसानी से सुचारू रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सदिश की गुणन संक्रिया के साथ। जय हिंद।